श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। ये है हमने लिए आज सूजी, और सूजी में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। देखिए बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बच्चों जैसी कुछ चीज़ें बनाएंगे। और इसमें अब हम थोड़ा सा डालेंगे मट्ठा। अगर आपके पास दही है तो आप दही भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट सी डिश बन के तैयार होगी बच्चों के लिए। और ये मैंने इसमें मट्ठा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और यहाँ खलड़ में मैंने थोड़ी सी मटर, थोड़ा सा जीरा, दो लौंग और एक हरी मिर्च, इसको मैंने कूट लिया है। क्योंकि इसमें लौंग इसलिए डाली है क्योंकि हमने उसमें थोड़ा मट्ठा डाला है, तो ठंड का मौसम है तो दोनों का जो मिलान करने पर कोई ठंड ना लगे, मतलब तासीर जो है थोड़ी गर्म ही रहे, इस हिसाब से मैंने इसमें ये थोड़े से सब्जी को कूट लिया है, जो कि हम उसमें मिक्स करेंगे। साथ में डालेंगे हरा धनिया, ये देखिए। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया भी डालेंगे थोड़ा सा। और यहाँ मैंने डाला है एक टमाटर भी काट के। अब हम इसको सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे सभी को, और थोड़ा सा मट्ठा और डालेंगे। ये देखिए ये हमारा घोल बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें मैंने एक ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी मटर, एक टमाटर, दो लौंग और साथ में हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें और भी कुछ सब्जियां मिक्स कर सकते हो। मैंने ये देखिए ये पूरा घोल जो है रेडी हो चुका है। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और ये हमने रख दिया है अब हम आज बनाएंगे अप्पम। तो इसको हमने रख दिया है, ये अप्पम बनाने का ये साँचा आता है, आप इसे ले लीजिए। और ये मैंने दोबारा से धो दिया है, और धोने के बाद में हम इसको ग्रीस कर देंगे घी या ऑयल से सूखने के बाद। एक और चीज़ कि देखिए मैंने इसको काफ़ी देर भिगोया है जिससे ये फूल गया है। और आप अगर एकदम से इंस्टेंट में इसे बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा इनो भी डाल सकते हैं, जिससे ये फूल जाएगा और अप्पम बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए अब मैंने इसको सेम क्वांटिटी में इसमें डाल दिया है इसके सांचे में। और अब इसको धीमी फ्लेम रखेंगे हम गैस की, और इसको अब ढक देंगे ये देखिए, और इसको थोड़ा सा पकने देंगे, फिर हम उसको पलट देंगे। अब हम सभी अप्पम को जो है इस तरीके से पलट देंगे। मैं हाथ से ही पलट देती हूँ, एक तो सर्दी का मौसम है इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है गर्माहट का। ये लीजिए ये मैंने पलट दिए हैं। ये धीमी ही आंच पर पकेंगे, और ये जितनी देर पकेंगे मतलब धीमी आंच पे उतना अच्छा इसमें फुलाव आएगा और वो बहुत अच्छे से ये पक जाएगा। और फिर आप इसे गर्मा गर्म परोस के दीजिए हरी चटनी के साथ। लेकिन बच्चों के लिए जो चटनी बनाएंगे वो हरे धनिए की, टमाटर की, जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा नमक और पीस दीजिए, मिर्च आप आधी डालिए, बस हो गया काम। और बच्चों को गर्मा गर्म अप्पम खिलाइए।